देखिए यहाँ पर आपको सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज दिया गया है 7.3, तो इसको परसेंटेज में यानी कि जो भी आपको एसजीपीए जो भी दिया गया है इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। तो कैसे बदले, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रिजल्ट के साथ ही आपको बताया गया है कि आप परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कन्वर्जन यहाँ पर करके लिखा है और यहाँ पर वाई लिखा है। तो वाई क्या है, यहाँ पर कन्वर्जन किस में होगा, वाई में होगा। और वाई क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क, परसेंटेज ऑफ मार्क यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक्स और गुने 10 करना है, यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए एक्स और आपको गुने क्या करना है, 10 करना है। तो एक्स क्या है, तो एक्स के बारे में यहाँ पर दिया भी गया है कि एक्स जो है एसजीपीए है या फिर सीजीपीए, जो आपका रिजल्ट आया है अगर एसजीपीए में आया है तो वो है, या फिर आपका रिजल्ट सीजीपीए में आया है तो वो है। तो एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर SGPA में रिजल्ट आया है तो यहाँ पर SGPA कितना है, 7.30, तो यहाँ पर हो जाएगा 7.30 और इसको गुना करेंगे किससे, 10 से, यानी कि आपका प्रतिशत कितना आ गया, 73%। यहाँ पर आपका कितना प्रतिशत आ गया, 73%। तो यहाँ पर आपको क्लियरली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका लिखा ही हुआ है कि कन्वर्जन कैसे करें, अपने मार्क्स का कन्वर्जन कैसे कैसे करें। और कन्वर्जन का यहाँ पर लिखा भी गया है कि वाई बराबर परसेंटेज ऑफ मार्क, यहाँ पर कन्वर्जन किस में किया गया है, वाई में, और वाई बराबर क्या लिखा गया, परसेंटेज ऑफ मार्क, यानी कि आपका परसेंटेज कैसे निकलेगा। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक्स गुणे 10 कर रहा है, जहाँ पर एक्स क्या है, एसजीपीए है, एसजीपीए है। तो समझ गए एसजीपीए से आपको परसेंटेज कैसे निकालना है। तो कोई कोई आपको बता रहा होगा कि 9.5 से आपको गुना करना है तब आपका निकलेगा, तो ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि रिजल्ट के नीचे ही आपका ऐसे बताया गया है, तो उसी को मान के हम चले।